रवि जडेजा का रणजी में कोहराम, गेंदबाजी के दम पर मचाया बवाल, क्या अब ऑस्ट्रेलिया की खैर नहीं। भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस समय रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप बी के मुकाबले में अपना जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में रविंद्र जडेजा ने वापसी की है। इस वक्त सौराष्ट्र का मुकाबला तमिलनाडु से हो रहा है, जहां तमिलनाडु की टीम को जीत के लिए 266 रनों का लक्ष्य मिला है। बता दें कि सौराष्ट्र की टीम ने तमिलनाडु को दूसरी पारी में मात्र 133 रनों पर रोक दिया। इस पारी में सौराष्ट्र के कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कोहराम मचा दिया। रविंद्र जडेजा ने अपनी वापसी धमाकेदार की, जहां उन्होंने दूसरी पारी में 7 विकेट लेते हुए टीम इंडिया के मैनेजमेंट को ये बता दिया है कि जडेजा की तलवार में अभी दम है और वो जंग नहीं खाई है। 17.1 ओवर में 3 मेडन डालते हुए 53 रन खर्च करे और जडेजा ने 7 विकेट इस दौरान अपने नाम किए। जडेजा ने एक के बाद एक तमिलनाडु के बल्लेबाजों का शिकार किया और उन्हें पूरे मैदान में बिखेर दिया। आपको बता दें, पहली पारी में जडेजा सिर्फ 1 विकेट ले पाए थे। इतना ही नहीं, बल्लेबाजी के लिए जब कप्तान उतरे तो मात्र 15 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। 9 फरवरी से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जानी है, इसे लेकर भी जडेजा ने बयान दिया है। जडेजा का मानना है कि वो लगभग पूरी तरह से फिट हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। टीम इंडिया को भी रविंद्र जडेजा की कमी खलेगी अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं, क्योंकि ये सीरीज टीम इंडिया के लिए ICC के टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने के लिए एक सबसे बड़ी चाबी है। उम्मीद तो यही करेंगे कि रविंद्र जडेजा पूरी तरह से फिट हो और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा हो। पहले 2 टेस्ट मैच के लिए तो रविंद्र जडेजा चुने गए हैं, लेकिन अभी भी वो सब्जेक्ट टू फिटनेस हैं, यानी कि अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं तो उन्हें प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।